tasty chip will be the best. Sour cream and onion, smoky barbecue. Cheddar, sour cream, salt and vinegar too. You sample them all, cause the crisp is so good on your lips. Yeah. You left your wallet at home, but now you have a new best friend. The many flavors of Lay's chips. One taste and you're in love. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद, और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं देवी दास अजवानी साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अल्फैसल राइस मिल के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो राइस का काम चल रहा है, इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, खासतौर पर जब जब शिकायत आ रही है, खासतौर पर जिम्मेदारा के हवाले से, कोई कार्ड वगैरह का मसला है, फिर एक्सपोर्टर आज़ाद भी कुछ ज्यादती कर रहे हैं, कुछ बैंकों को भी मसाइल हैं इनको, एक्सपोर्टर को 3% पे स्टेट बैंक दे रहा है और इनको कोई 10-12% पे जो है दिया जा रहा है, इस हवाले से भी ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और दूसरा, महंगाई का एक तूफान सा बरपा है, जिसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल हो गया, और ख़ास तौर पर पानी के हवाले से, पानी यहाँ पर जो है ना वो मुयस्सर नहीं, क्योंकि राइस ज़्यादा से ज़्यादा पानी के ज़रिए जो है ना वो होता है, और उस हवाले से कुछ तरक्याती काम से हैं। जाम कमाल साहब यहाँ से चले गए रिज़ाइन दे के, अब नए अब्दुल कसूस बंजीतो साहब जो हैं यहाँ पे वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं देवी दास अजवानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक सर, अल्लाह का बहुत करम नवाजिश। सर आप बड़े अच्छे से यहाँ पे राइस का काम जी सर, बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप हमें वो मसाइल्स बताएं ताकि हम हुकूमत बलोचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सकें कि इन मसाइल का हल किया जाए, क्योंकि हमारी जो राइस है ये एक्सपोर्ट होती है। जी जी, अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी मौशी हालत जो है ना उसमें बेहतरी आएगी, जी, और बेहतरी के आने के जो डॉलर इस वक्त एक बुलंद तरीन सतह पे चला गया है, वो वापस आएगा तो और हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। जी जी बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम, जो आप बात कर रहे हैं तो मेरा पहला इशू यही होगा कि जो हमारे जो अभी ज़मींदारान लोग हैं वो खाद के लेवल से बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो खाद उनको 3700-4000 रुपये मिल रही थी, वही खाद आज 9100-9200 तक की पहुंच गई है। पहली बात तो इनसे ये वो दो चार शॉर्टेज है, ब्लैक में मिल रही है सर, वो ब्लैक में मिल रही है, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जिन्होंने पहले सब्सिडी दी हुई थी, अब सब्सिडी कम कर दी, उन्हें नहीं दे रहे। तो पहला मसला यही है कि हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि खाद का जो रेट है उनको प्लीज़ कंट्रोल करें, क्योंकि पहले ही जो ज़मींदार को हो या बसगर हो, उनको पहला इशू खाद का ही आता है। उसके बाद इस दफ़े इस साल हमारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत रही है, जो पानी की किल्लत की वजह से उन्होंने जो जैसे उन्होंने बाकायदा डीजल इंजन चला के अपने जो है ना ज़मीनों पे पानी दिया है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा उनका है, नहीं तो पहले उनका जो है ना खर्चा ये नहीं था, वो डीजल पे नहीं था, बगैर डीजल के उनका पानी ज़मीन पे जाता था। एक ये इशू है, तो बाकी तो ये महंगाई तो पूरे मुल्क में छाई हुई है, और चावल के हिसाब से इस दफ़े अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे इलाके में अल्लाह ने बहुत करम किए हैं कि इस दफ़े बारिशों के कम होने की वजह से फसल बहुत, जो फसल तैयार होती है बारिश होती है तो फसल बहुत हल्की होती है, इस दफ़े अल्लाह की मेहरबानी बोले या जो भी बोले, जो है उसमें बारिश नहीं हुई तो फसल बहुत अच्छी हुई हमारे पास है। यहाँ पे इरीगेशन के वजीर अब्दुल गफूर लेडी साहब बन गए हैं, आपको जी पता जी है जी, तो इंशाल्लाह ताला ये जो पानी का मसला है जी जी तो सर, अब उम्मीद मैं करता हूँ कि ये आपका हल नहीं सर, हम भी उम्मीद करेंगे बिल्कुल। हमारे अब्दुल गफूर लेडी साहब बहुत मौसन आदमी हैं और इलाके के रहने वाले हैं, वो हमारे ज़मींदारों के, वो खुद एक ज़मींदार हैं, तो वो हमारे ज़मींदारों के मसला बिल्कुल समझ सकते हैं कि उनके मसला क्या है पानी के हिसाब से। ये बात हम भी इन चीज़ से मुतमिन है कि हमारी आने वाले साल में इंशाल्लाह इस चीज़ का जो है हल हो सकता है। माशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है इंडस्ट्री के लिए, कि बिजली 24 आवर चाहिए, और बिजली महंगी इतनी कर दी गई कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा निज़ाम नहीं है कि इतनी आप यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल आएगा, इसके बारे में क्या आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर, ये इदारा है आपका? जी 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 सर, जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली अल्लाह की मेहरबानी है हमारे इंडस्ट्रीज़ एरिया में, जो हमारा इंडस्ट्रीज एरिया है 24 आवर्स लाइट्स अवेलेबल है, लेकिन इनके रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। अभी पिछले महीने में मैंने बिल उठाया,
उस पर कैलकुलेशन किए, 59,000 हमने टैक्स पे किए हुए हैं एक बिल पे। तो हम यही गवर्नमेंट बिल था 2,42,000 का बिल था, 2,42,000 पे 60,000 आपने टैक्स दिया। जी जी, उस पर लिखा हुआ था ये सरचार्ज, ये सरचार्ज। तो मैंने वो कैलकुलेशन किया, मैंने कहा देखिए सही कितना टैक्स जा रहा है हमारे यहाँ से। यही बात है, हुकूमत पाकिस्तान को आप टैक्स पे करते हैं क्या? हुकूमत पाकिस्तान आपको सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है कि हमें सिर्फ टैक्स ही देते जा रहे हैं? सर ये है कि सहूलियात तो अल्लाह की मेहरबानी है जो उनके हाथ में वो दे रहे हैं, लेकिन क्या है महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई की वजह से यहाँ बहुत आदमी परेशान है। जो बसगर जहाँ पे उनके एक एकड़ पे अगर आप मिश्रण ले लें, एक एकड़ पे अगर 8 बोरी लगती थी तो उसके 32,000 थे, आज वो 8 बोरी ऐसे समझो 72,000 की हो गई, तो वो कहाँ से खर्चा अफोर्ड कर सकता है? और जो है एक्सपोर्टिंग इतनी है नहीं हमारे यहाँ, एक्सपोर्टिंग में बहुत मसला आ रहा है क्योंकि एक्सपोर्टिंग के चावल भी रेट्स कभी अप हो रहे हैं कभी हाई हो रहे हैं, हाई तो नहीं लेकिन डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से सारी जिसको मुंजी बोलते हैं उनमें ज़मींदार को बहुत तकलीफ़ है रेट्स के लिहाज से। अजवानी साहब, आप तरक्याती काम खासतौर पर बलूचिस्तान में 4th साल जा रहे हैं, जहाँ कमाल साहब से पहले वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस पजीजू साहब आ गए, वो स्पीकर थे वहाँ के, तो एक किस्म की अदम अतमाद पेश हो गई, तो किस नज़र से देख रहे हैं यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम कैसा है, तरक्याती काम मसलन रोड्स वगैरह कैसे बन रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम कैसा है, और ख़ास तौर पर साफ पीने का पानी जिसकी वजह से 75% बीमारियाँ फैलती हैं उसके हवाले से क्या कहें? सर ये जहाँ तक बात है तो हमारे जाम कमाल साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने जो काम किए हैं बलूचिस्तान के वो बिल्कुल सामने सामने हैं आपके, रोडों के काम तरक्याती काम उनके हुए हैं उनके वज़ीर आला के होने में। अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिजन जो साहब आए हुए हैं उनकी भी वही काम होंगे जो उन्होंने देखे हुए हैं सर। हाँ, सादक सिंजरानी साहब भी यहीं से बलूचिस्तान से तल्लक रखते हैं। जी जी जी, ठीक है, सेनेट के माशाल्लाह चेयरमैन हैं, बहुत सारी हस्तियाँ बलूचिस्तान से जो असम्बलीज में गई सेनेट्स में गई, खासतौर पर मीर जफरुल्ला जमाली साहब जी 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 नाम लेता चाहूँ, वज़ीर आज़म रहे, लेकिन हमारा बलूचिस्तान पसमानदा सूबा क्यों है, उसकी क्या वजह है? हालांकि बलूचिस्तान एक सोने की चिड़ी है, मादनियात सारे यहाँ पे हैं, चलो फसल के हिसाब से तो ये 2-3 सिटीज़ हैं यहाँ पे होती हैं, बाकी माउंटेन्स हैं पहाड़ हैं, लेकिन उस पहाड़ों में अल्लाह पाक ने बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर सकते, क्या इसकी रीज़न? सर ये तो अभी ये आपको मिनिस्टर्स ये MPA यही आपको इस सवाल का वही आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं मेरे पास। लास्ट पे हुकूमत बलूचिस्तान को क्या मैसेज करेंगे? सर मैं बलूचिस्तान हुकूमत को यही मैसेज करूँगा कि आप आवाम पर थोड़ा ध्यान दें, तरक्याती कामों पर ध्यान दें, जो हमारे पास बेरोज़गार लोग हैं बराए मेहरबानी उन पर थोड़ा ध्यान दें, क्या है कि अगर बेरोज़गारी कम होगी तो क्राइम में कमी आएगी, बिल्कुल यही है। बहुत शुक्रिया नवाज़िश सर। नाज़रीन ये थे देवीदास अजवानी साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की, खासतौर पर राइस के हवाले से जो मसाइल थे वो भी इन्होंने बताए, जाम कमाल साहब की भी इन्होंने तारीफ की कि अच्छे वज़ीर आला थे, अब जनाब बजिंजो साहब से भी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वो भी इंशाल्लाह ताला यहाँ तरक्की में काम करेंगे। खासतौर पर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, अगर ये मसला हल हो जाए तो इंशाल्लाह ताला जो है ना राइस की फसल इस दफ़ा अच्छी हुई है अगली दफ़ा इससे भी अच्छी हो सकती है, और ये हमारी मौशी हालत में बेहतरी की सूरत आएगी अगर हम इन लोगों को प्रमोट करेंगे, हमारी हुकूमत इनको सब्सिडी देगी, खासतौर पर जैसे ये बिजली के हवाले से कहा कि चलो बिजली तो इनको मुहैया है लेकिन उस पर टैक्स इतने लगा दिए गए हैं कि वो बिल भरना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे बताया 2.25 लाख रुपये का टैक्स था बिल था और 60,000 रुपये उस पर टैक्स लगा। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंडस्ट्री के लोगों को ज़िम्मेदारा को थोड़ी सी सब्सिडी दें ताकि ये 75% हम लोग कहते हैं ज़राअत पे मुश्तमिल है हमारा पाकिस्तान, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, अगर हम इनको प्रमोट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इंडस्ट्री के साथ साथ शाना बशाना चलेंगे, और ये शाना बशाना अगर चल पड़े तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आज जो हालत है मौशी हालत ख़राब है तो इंशाल्लाह ताला वो सुधर जाएगी और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना तरक्की करेगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ऊपर चला जाएगा। कैमरामैन जवेद साहब के साथ डॉक्टर नवीद।